तो मैं सारा चूते तुमने पिछले एपिसोड में देखा, जाके देख लेना। और ये एपिसोड के अंदर जितने भी राज थी मैं जाते राज का हमें आंसर मिलने वाला है। और उसका तुम्हें पिछले एपिसोड देखना पड़ेगा, जाके देखो सारा चूती हो। और हमारे एपिसोड होती है वॉल के पास से, मतलब वॉल के जितने लोग हैं सब वॉल के ऊपर जा रहे हैं। और फिर जो अमीर है तो उस भी ऊपर जाता है, क्योंकि अमीर की हालत बहुत ख़राब है, कि अमीर के ऊपर सब पेट में गोश्त निकल रहा है, एक पाव पूरा पाव कटा पड़ा है सब, यानी कि हाथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है अमीर की हालत। और फिर जो एरन रहता है वो रैन को ऊपर आता है, क्या छुट्टिया पकड़ रहा है, रैन के हाथ में चोट लगी इसलिए चलने पड़ा रैनर। और फिर जो किस्टर है, आई मीन हिस्टर रहती है, वो हल्की समझती है कि जो अमीर थी उसने मुझे बचाएंगे टाइटन फॉर्म में आए, और उसने मुझे बचाएंगे सब करिए, वो किसी चोट नहीं पहुँचाएंगी, ऐसे कहते हैं हमारी हिस्टोरिया। और फिर हांजी कहती है कि तुम्हारे तुम्हारा हिस्टोरिया रेस है ना, तुम रॉयल ब्लड से रॉयल फैमिली से ना, तुम्हारे बहुत मिलकर अच्छी खुशी हुई हिस्टोरिया, ऐसा बोलती है जो हांजी रहती है। और फिर हमें बोलती है मैं तुम ठीक तो ऐसा बोलती मतलब रहती है किस्टर की, एकदम क्लास फ्रेंड बन चुकी है हिस्टोरिया की, और किस्टर कर मुँह में से। और फिर जो रहता है रैना बोलते हैं मैं दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, वहाँ पे अर्मिन पे जाते हैं, बोलते हैं दूसरी बार मुझे टाइटन ऐसा हाथ में पकड़े सब मारने को देखे हाथ चलने की, मतलब वो एन की बात कर रहा है, कोई याद करता है कि जो एन रहती है उसके हाथ में पकड़ लेती है, फिर जो अर्मिन निकलते रैना निकलते जेम से बाहर निकलते हैं, इस बात कहने लगता है मैं बहुत सा चुतिया पकड़ सकता बार बार अटक जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। और फिर बोलते अब मैं चलना चाहिए, बोलते मैं एक सोल्जर ऐसे बोलने लगते, बोलते कुछ नहीं चलना चाहिए हाथ से। और फिर जाए हो जाते हैं, और फिर हाँ पे जो रहता है मतलब जो कौन रहता है उसे जो रहती है वो कहती है तुम चिंता मत, तुम्हारा जो परिवार है उसे ढूंढने के रास्ते हमने लोगों को भाग लिया है, तुमने क्या अपने मिशन ध्यान में भटकाना। कौन कौन ऐसा कहता है, कौन बोलता है हाँ हाँ जी कैसे कहते हैं मैम को, मतलब मैम जो है जो कहना क्यों सब छुट्टी हो। और फिर जो हाइनेस वहाँ पे आता है, जो हाइनेस उसे कहते हैं मेरे को पूरे वॉल छान मारे लाए, पर उन्होंने वॉल पर क्रैक भी नहीं रहा हुआ, वॉल इससे टूटी भी तो छोटा सा होल भी नहीं वॉल के अंदर से, बोलते हैं टाइटर कहाँ से आ गए। और अपनी बोलते हैं तुम इस बच्चे तीनों बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोलते हैं ना वॉल टूटी है तो सभी कहाँ से आए, तो बाद में बोलते हैं चलो हम सब चलना चाहिए ऐसा बोलती है हाँ जी, तो जितने लोग हैं वो सब चलने रेडी हो जाते हैं। अब अपने हाइनेस बोलते हैं उन्हें थोड़ा बहुत डांटने लगते हैं कि तुम बच्चे मानते हैं ना। हाँ फिर जो एरन रहता है वहाँ पर रुकते हैं, तो फिर रैना बेल्ट बोलते हैं तुम आ नहीं रहे हो क्या, बोलते रैना बोलता है मैं कोलोसल टाइटन हूँ मतलब आर्मर टाइटन हूँ, और ये रेनाल्ट है बेल्ट है वो कोलोसल टाइटन है, बोलते तुम मजाक कर रहे हो क्या, बोलते नहीं हमारा मिशन है कि तुम्हारा किडनैप करके लाने के लेके आने का है, ऐसा बोले मिशन है हमारा, तुम हमारे साथ शांति से लो, तो नहीं तो जितनी भी तबाही हुई वो जितनी आगे तबाही हमारे लिए सब रुक जाएंगी, तो मैं सब चल दो, मतलब बोलते मैं तुम्हारे मिशन है कि तुम मुझे किडनैप करने आए हो, बोलते हाँ ये बड़े सोनी पर मैं सोच सोचा था मैं सब बोलता है। और फिर जो हाजी दिखाई जाती है, बोलते जो रिपोर्ट आ चुकी है, बोलते जो एनी थी उसके बारे में, जो एनी के जो पास में थे वो थे रेनाल्ड बेल्टोल, मेरे ख्याल वो दोनों में शक जा रहा है कि जहाँ पे रेनाल्ड बेल्टोल थे वो जगह से मतलब जो एनी थी फीमेल आयरन थी वो जगह से वहाँ से आई थी, मतलब जो है थी मतलब रेनाल्ड ढूंढते ढूंढते, बोलते हाँ तुम सही कह रहे हो, मतलब कहा कहती है हाँ मुझे पता है एनी को स्वीट बहुत पसंद है, अच्छी होती है सासा भी, और बाद में मेरी प्यार क्लास है मेरी सासा भी, और बोलते हाँ तुम सही कह रहे हो जो एनी थे उसमें ध्यान भटकाई थी, बोलते तुमको लगता है कि जो रेनाल्ड था उसे एकदम पता जाना था, बोलते हाँ मुझे लग रहा है एकदम पूछा था तुम्हें एन वो बोलते कि एरन कहा गए एरन कहा है ये बोलते लगता है, बोलते हाँ तुम सही कह रहे हो जो रेनाल्ड था वो उसको पता पहुँचाने का था, अरे पता चला था ऐसे उसके हाथ पे पकड़े उसने हाथ दबाए अरे बाहर निकला ना तो जो फिर टाइटन हाथ चले गई थी, बोलते हाँ तुम ये बात कहाँ पर लिखनी होनी चाहिए किसी बताने की बात, हम ये सब बाद में मतलब मिश्रण होने के बाद हम इसे अंडरग्राउंड ले जाएंगे हम पकड़ के सब जानकारी लेंगे उनके पास से। हवा में बोलते हाँ तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, हाँ तुम उसे मजाक कर रहे हो, तुम बहुत टाइट लग रहे हो, तुम बहुत बुरे लग रहे हो, मतलब अच्छे नहीं लग रहे, मतलब तुम्हें तबियत खराब, बोलते हाँ तुम सही कह रहे हो जो भी यहाँ पे रेनाल्ड है उसकी डबल पर्सनैलिटी बन चुकी है, एक सोल्जर एक वॉरियर, वो वॉरियर पर्सनैलिटी है टाइटन की, सोलर पर्सनैलिटी है मतलब उसकी डबल पर्सनल हो चुकी है, मन रह रही उसकी फीलिंग थी डबल पर्सनल हो चुकी है उसकी। हाँ जो मिकासा रहती है वो बोलती है और मेरा सब पता खड़ी होती है, बाद में रैना बोलता है तो हाँ तुम ईटे साथ ही प्रॉब्लम है, मैं 3 साल से पागलपना सेंड कर रहा हूँ, हाँ तुम ईटे साथ ही प्रॉब्लम है कि तुम्हारा समझा तो समझते नहीं है, तुमने दोस्ती बाहर निकाल लेते हो, बाद में बोलते तुम सब बता दूँ मैं एक वॉरियर हूँ, बोलते हाँ जितनी चोट निकालते चोट ऐसे जबरदस्त हो जाती है खुश हो जाते हैं, बैटल बोलते हैं हम अब यही करेंगे, तो रैना बोलता है हाँ अभी हम यही करेंगे, उससे पहले जो मिकासा आती है उसके पेट में तलवार मार चल जाती है, मिकासा में बहुत एक सचिन बहुत खतरनाक था कि मिकासा अचानक आई थी और दोनों को काट डाल थी बीच में से, जो रैना का गला थड़ा पड़ा था रेनाल्ड तलवार से बेल्ट आई मीन, हाँ जो रेनाल्ड बचाते हैं बेल्ट को मरने से, बोलते हाँ अब हम प्राय बन के रहेंगे, हाँ ऐसे करते
जो रेनल और बेल्टो दोनों टाइटन बन के लेट हो जाते हैं। हाँ, दोनों के पास आज बड़ी लाइट लगती है, बोलते हैं एरन तुम हर सड़क जाओ। हाँ, वैसे बोलते हैं जो रेनल रहता है बेल्टो रहता है दोनों रहते हैं, वो एक एरन को पकड़ता है और एक यमीर को पकड़ता है। इसकी जो फ्यूजन था ना, जैसे धमाका हुआ था, उससे जितने भी लोग सब उड़ते उड़ते बहुत दूर दूर तक गए थे। हाँ, ये सीन था बहुत ज़बरदस्त था। मुझे पहले पता रेनल बेटा टाइटन है, और उसके बाद पता चला कि वो एयर के पीछे पड़े साथ में वो किडनैप करना है, एयर के ये मिशन है, जो मैं एयरन की चाबी मतलब चाबी है। हाँ, रेनल पकड़ता है एयरन को और बेटर पकड़ता है, जो क्लोजर टाइटन पकड़ता है यमीर को। हाँ, पकड़ के ले जाते मतलब पकड़ के ले जाते बाद में। हर बाद में जो एयर रहता है हमारा रेनल्ड, वो नीचे उतर उतरते हैं हंसे। हाँ, जब तक रहता है वो सदमे से बाहर आने की कोशिश करते हैं, बोलते एयरन सब उसके दोस्त बुलाते हैं, एयर उसके सदमे से बाहर आता है, बोलते अब यही चांस है। वो सोचने लगता है जो दोस्त थे उसकी मत करते, उससे अपना बड़ा भाई मानता, दोनों को ऐसा सोचने लगता है, रेनल्ड बेटोल को बड़ा भाई मानता था। ऐसा सोचते हम फुल फीलिंग से बताते हैं, बोलते हैं हमारे कोई दोस्त नहीं, ऐसा बोल के वो खुद को काटते हैं और रेनल को मारने वास्ते एक बुक का एड करता है। हर एक एपिसोड पूरा होता है सारा, इतनी हाइप, इतना खतरनाक शॉकिंग मोमेंट। सर मैं तो बहुत घसा, बहुत जो घुसबंग आए थे एपिसोड देखते हुए, और लाइक कर दिया। गुड बाय, मिलते अगली वीडियो में, सी यू।